तो बच्चों आज हम जो है फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये आपकी क्यू की रिविजन है, ठीक है। तो आपको पता है कि फर्स्ट टर्म के एग्जाम आपके जो है स्टार्ट होने वाले हैं, तो आपको फर्स्ट बुक जो है वो पूरी आ रही है, और सेकंड बुक से आपका जो चैप्टर नंबर 12 है LPP, ये 7 चैप्टर आ रहे हैं। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से, दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशन? रिलेशन क्या है? जैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में रिलेशन के बारे में जानते हैं, जैसे ब्रदर सिस्टर, फादर सन, मदर सन, फ्रेंड, एक दूसरे का फ्रेंड। तो ये क्या है? दीज आर रिलेशन। और मैथमेटिक्स में भी आपकी जो डेफिनेशन है रिलेशन की वो यही रहती है, ठीक है। तो रिलेशन जो है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ आपको, देखो आपको और चीज़ें समझ आएगी। मैंने यहाँ पे दो सेट ले लिए बेटा, और मैं जो सेट है ह्यूमन बीइंग ले रहा हूँ। इस तरफ भी मैंने कुछ नाम लिखे हैं, इस सेट में कुछ नाम लिखे हैं। तो रिलेशन कैसे डेवलप है? मैं यहाँ पे एक रिलेशन ले लेता हूँ, मैं लेट कर लेता हूँ कि एक रिलेशन है, इज अ फ्रेंड ऑफ, ठीक है। यहाँ जैसे फादर मदर है, फादर एंड सन, या मदर सन, ठीक है। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ? फादर सन। तो मैं क्या मैसेज लिखता हूँ? इज फादर ऑफ, ये रिलेशन बन गया। मदर सन लिखा है, इज मदर ऑफ। सिमिलरली मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, इज स्क्वेयर ऑफ, जैसे मैं लेता हूँ 2, 4 एंड 2। तो क्या 4 इज स्क्वेयर ऑफ 2 है? तो ये सारे क्या चीजें हैं? रिलेशन। और मैं इसे किससे डिनोट करूंगा? आर से। और आर जो है वो रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर को भी। तो यहाँ पे आप मुझे कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे मैं जो आर मैं ले रहा हूँ वो आर किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? तो किस टाइप की रिलेशन होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, ऐसा रिलेशन है। अब हम इसे मैथमेटिकली, यहाँ पे हम इसे मैथमेटिक्स में कैसे इसको प्रूव करें? मैंने सिमिलरली यहाँ पे क्या किया कि दो सेट दे दिए। ये जो पहले वाला रिलेशन है कि इसे एक किस सेट के ऊपर है? ह्यूमन बीइंग, ये ह्यूमन बीइंग है, फ्रेंड ह्यूमन बीइंग, फादर ऑफ, मदर ऑफ, जैसे मदर सन, फादर सन, ये क्या है? ह्यूमन बीइंग है। इनका सेट क्या है? ह्यूमन बीइंग। और ये जो 4 एंड 2 है, इनका सेट क्या होगा? इनका सेट क्या होगा? नेचुरल नंबर हो सकता है, रियल नंबर हम ले सकते हैं। तो जो रिलेशन है वो किसी सेट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सेट जो है, आप रिलेशन जब डेवलप करेंगे तो आपको कोई सेट चाहिए, उससे हम रिलेशन को डेवलप करेंगे, ठीक है। तो यहां पे मैं दो सेट ले लिए मैंने, ए एंड बी। ए सेट में है स्वाति, रितिका, पायल, सेकंड में है सरिता, रजना और मैं। यहाँ पे लेट कर लेता हूँ कि जो रिलेशन है आर, वो मैं मान लेता हूँ कि इज फ्रेंड ऑफ। मेरा जो रिलेशन है वो क्या है? मतलब जो रिलेशन की जो डेफिनेशन मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ वो क्या है? इज फ्रेंड ऑफ। अब देखो यहाँ पे स्वाति, ये देखिए मैंने ये बना दिया। अब देखिए, अब जो स्वाति है वो रिया की क्या होगी? फ्रेंड होगी।
अगर मैं ये रिलेशन मान के चल रहा हूँ तो यहाँ पे जो मेरा सेट है ए वो मेरे पास क्या है स्वाति रितिका और तीसरा कौन है पाए। ये सेट मेरा ए है। सेट बी मेरे पास क्या है सरिता रंजना रिया। अब मेरा रिलेशन क्या क्या मैं आर को आर डिनोट कर रहा हूं रिलेशन को क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं कि जो स्वाति है वो किसकी फ्रेंड है रिया की। तो क्या मैं यहां पे लिखा ऐसे लिखता हूं स्वाति इज फ्रेंड ऑफ रिया बना। इस सेट ये जो दो सेट लिए तो यहां है स्वाति इज फ्रेंड ऑफ ये जो इज फ्रेंड ऑफ है इसे मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं इसे आर से। आर मैंने क्या मान लिया हुआ आर मैंने क्या कहा इज फ्रेंड ऑफ रिलेशन क्या है इज फ्रेंड ऑफ। तो क्या मैं जब ऐसे लिखूंगा स्वाति आर रिया तो इसका क्या मीनिंग है स्वाति इज फ्रेंड ऑफ रिया। तो यहां पे जो रिलेशन है तो मैं लिख रहा हूं स्वाति आर रिया कॉमा सेकंड मेरे पास क्या एलिमेंट बन सकता है रितिका सरिता रितिका आर सरिता थर्ड पायल आर रंजना। फर्दर मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं स्वाति कुमारिया एलिमेंट बन गया इसका ठीक है। और मैं ये मान लेता हूं ये सेट नहीं है ये मेरा रिलेशन है सही दिस इज अ रिलेशन ये हमने रिलेशन यहां डेवलप किए। अब इस रिलेशन को मैं सेट के फॉर्म में लिख रहा हूं तो मुझे यहां पे क्या करना है कि ये आर जो है वो रिलेशन बन गया मैं लिखा स्वाति कोमा आगे रितिका कोमा सरिता पायल कोमा रंजना ठीक है। फर्दर देखिए अगर मैं ये जो फर्स्ट वाले ए सेट है उसके एलिमेंट में स्मॉल एक्स मान लेता हूं कि मैं अभी तो पर्टिकुलर नाम नहीं है मैंने जनरल ले लिया कि एक्स का नाम स्वाति हो सकता है रितिका हो सकता है पायल हो सकता है। सिमिलरली जो सरिता रंजना रिया तीन है इसमें ज्यादा भी पांच भी दस पंद्रह जितने मर्जी जहां पे आपके एलिमेंट हो सकते हैं मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया वाई से। क्या मैं इस सेट को ऐसे लिख सकता हूं एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स किसे बिलोंग कर रहा है देखो कौन सा सेट है एक्स के एलिमेंट कहां से आ रहे हैं कॉमा वाई के एलिमेंट कहां से आ रहे हैं और रिलेशन क्या है एक्स आर वाई का मतलब जो एक्स होगा वो इज फ्रेंड ऑफ दिस। अब अगर मान लो यहां पे स्वाति है एक्स तो स्वाति इज फ्रेंड ऑफ वाई वाई कौन है यहां पे रिया तो स्वाति इज फ्रेंड ऑफ अब बात समझाइए आपको तो दिस इज योर रिलेशन की हम मैथमेटिकल रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। तो रिलेशन क्या होता है कि ये ऑर्डर्ड पेयर है दिस इज ऑर्डर्ड पेयर आपने 11th क्लास में पढ़ा है वहां पे भी आपको रिलेशनल फंक्शन द सेकंड चैप्टर। तो एक्स और वाई एक आपके पास एलिमेंट है इस रिलेशन का ये रिलेशन एक सेट है यहाँ पे एक्स वाई एक एलिमेंट है जिसमें डबलेट है मतलब दो कोऑर्डिनेट है एक्स और वाई जो फर्स्ट प्लेस पे हैं वो फर्स्ट सेट से आएंगे और वाई सेकंड सेट से आएंगे। यहाँ पे जो आर है यहाँ पे जो रिलेशन है इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी
ये जो आपको रिलेशन मिलेगा, ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है ए प्लस बी, आपने इलेवेंथ क्लास में पढ़ा है कि ए और बी जो दो सेट हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, पता है आपको? क्रॉस प्रोडक्ट निकालना आता था आपको? तो ए और क्रॉस बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, ये जो आर रिलेशन बनेगा वो इसका, ये जो एलिमेंट है इनका क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होगा। अब सबसेट जो होता है वो इक्वल भी हो सकता है और लेस देन हो सकता है, उससे ग्रेटर देन नहीं होता। मतलब उसकी जो सबसेट की जो एलिमेंट है वो अपने पेरेंट के जो सेट से या तो बराबर होंगे या उससे कम हो सकते हैं। तो आर इन सबसेट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, जहाँ पर यह रिलेशन डेवलप हो रहा है, जहाँ से यह रिलेशन जिस सेट के ऊपर ये खड़ा है। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको जो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आने हैं वो आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है? ऐसे ऐसे कुछ हो वहाँ से बीच में से कोई पॉइंट उठाएगा जहाँ से आपको वो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन पूछेगा। बाकी उसमें मल्टीपल चॉइस के तो क्वेश्चन आने आने आपको, तो यहाँ से ऐसी चीज़ों को आपको नोट करना है, वहाँ से आपको वो पूछ सकते हो और आप वहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है? तो ये आपके पास आ गया जी रिलेशन। तो इस रिलेशन को हम मैथमेटिकली ऐसे डिफाइन करेंगे, ठीक है? इसी सिमिलरली आप कोई और लेंगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है डोमेन रेंज, ठीक है? डोमेन रेंज और कोडोमेन, ये भी आपने वर्ड जो है प्लस वन में पढ़े हैं, इसके बारे में आपने पढ़ा है। तो यहां पे अगर मैं ये वाला रिलेशन रखता हूं तो मेरे पास डोमेन क्या होगा? इस रिलेशन में डोमेन क्या है? जो फर्स्ट एलिमेंट आते हैं यहां पे डोमेन होगा एक्स, क्या होगा? इस एलिमेंट में जो एक्स वाई है, एक्स वाई जो बिलोंग कर रहा है आपका, किसे बिलोंग कर रहा है? यहाँ पे जो x है वो क्या है और रेंज क्या है, क्या गया y, ठीक है? और कोड बीन क्या है? कोड बीन क्या होता है? सेट ऑफ b, सेट ऑफ b, दिस इज सेकेंड सेट है आपका b, दिस इज कोड बीन। अब देखो ये जो x है, ये जो x है ये किसका सबसेट है? a का, x इज सबसेट ऑफ a, और रेंज y किसका सबसेट है? b, सबसेट ऑफ b, ठीक है? और अगर हम ये लिख दें कि कोडोमेन क्या है, तो क्या मैं y इज सबसेट ऑफ कोड में लिख दूं? yes, और वाई क्या है? तो क्या मैं लिख सकता हूं कि रेंज जो है वो सबसेट ऑफ कोड में है, क्योंकि हमने कहा कि जो ए क्रॉस बी है, जो रिलेशन है वो इसका सबसेट है, इक्वल या सबसेट रिलेशन क्रॉस प्रोडक्ट का। तो इसलिए यहाँ पे आपके एलिमेंट ज्यादा हो सकते हैं, आपका रेंज कम हो सकते हैं, रेंज में एलिमेंट कम हो सकते हैं। सिमिलरली एक्स जो एलिमेंट है वो आपके कम हो सकते हैं ए से, क्योंकि उनका रिलेशन सोचता है कि उनका रिलेशन हो। यहाँ पे हम कोई एक ले लेते हैं, किसी और का नाम सीता ले लेते हैं, अब यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे कोई और ले लेते हैं, कोई कविता ले लेते हैं, अब ये खाली रह गए, तो इनका तो किसी के साथ रिलेशन नहीं है, ठीक है? एलिमेंट अगर देखे जाए तो इसमें वन टू थ्री फोर, और सेट में इनका मन इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन एलिमेंट तो थे। तो यहां पे ये जो ए है ये एक्स रिलेशन में आया, ए रिलेशन में नहीं आया, तो एक्स फिर किसका होगा? ए का सबसेट। इसी प्रकार रेंज जो है उसका सबसेट है। नेक्स्ट हमारे पास है कि रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो रिलेशन आप फोर टाइप्स, कितने टाइप्स होंगे? फोर टाइप्स के। पहला रिलेशन लिखेंगे एम्प्टी,
या इसको वाई भी कहेंगे। दूसरा हम बोलेंगे यूनिवर्सल। तीसरा हमारे पास है आइडेंटिटी। और चौथा है हमारे पास इनवर्स। देयर आर फोर टाइप रिलेशन, ठीक है, एम्प्टी, यूनिवर्सल, डेंटिटी और इनवर्स। अब एम्प्टी रिलेशन कॉन्सेप्ट है, व्हेन एलिमेंट ऑफ अ रिलेशन इज नॉट रिलेटेड टू द एलिमेंट ऑफ अनदर सेट। जैसे हम यहां पे बात कर लेते हैं, इज ब्रदर ऑफ, ये रिलेशन मैं चाहता हूं कि मैंने ये रिलेशन देखना है। अब जो गर्ल्स स्कूल है, क्या ये रिलेशन वहां पे होगा? क्योंकि बॉयज वहां पे है ही नहीं, तो ब्रदर कैसे बनेंगे? तो ये रिलेशन वहां पे नहीं है। तो अगर ये रिलेशन नहीं है तो इस प्रकार के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? एम्पटी वायर रिलेशन। एम्पटी जा वायर जा नल रिलेशन। समझाए मेरी बात है? कि आपको वो रिलेशन का एलिमेंट नहीं मिलेगा, ठीक है। सेकंड, यूनिवर्सल में क्या होता है कि जब कोई दो सेट हैं, उन दो सेट में हर एक का कोई ना कोई रिलेशन बनता है। जो भी रिलेशन आपने डिफाइन किया है वहां पे, अगर वो हर एक एलिमेंट को रिलेशन बनाता है तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? जैसे हमने एग्जांपल में किया था, तीन लड़कियां ए में थी, तीन लड़कियां बी में थी, तीनों का आपस में रिलेशन था, तीन ही एलिमेंट थे दोनों में, तीन एलिमेंट, तीनों का ही आपस में रिलेशन था। क्या रिलेशन था? इज अ फ्रेंड ऑफ। तो उस प्रकार के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? यूनिवर्सल। और इसे हम लिख सकते हैं ऐसे, आर एक्स वाई, और एक्स किससे बिलोंग रहा है? ए को। वाई किससे बिलोंग रहा है? बी को। और एक्स आर वाई, और जो आपका आर है वो किससे इक्वल आ गया? क्रॉस प्रोडक्ट पे। जो रिलेशन बना आपका, वो जो सेट थे ए और बी, उनका जो क्रॉस प्रोडक्ट था उनके बराबर है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। अगर कोई रिलेशन एम्प्टी है और साथ में क्या है? यूनिवर्सल है, तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं ट्राइवियल, ट्राइवल रिलेशन। ये आपको फर्स्ट एक नंबर पे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज ट्राइवियल रिलेशन। तो ट्राइवियल रिलेशन क्या होता है? एम्प्टी एज वेल एज यूनिवर्सल, ठीक है। नेक्स्ट, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? एक जैसे सबसे लिख रहा आइडेंटिटी। देखो, कोई सेट ए है, उसका जो आइडेंटिटी रिलेशन है उसे हम लिख सकते हैं एक्स कॉमा, और एक्स किसे बिलोंग कर रहा है? ए को, ठीक है। तो इस प्रकार के जो रिलेशन आएंगे उनको बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे हमको एग्जांपल ले लेते हैं कि ये है एक सेट ऑफ 1, 2, 3, इसका जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो क्या बन जाएगा? 1, 2, 3। समझा गए आइडेंटिटी रिलेशन क्या होगा? नेक्स्ट हमारे पास था इनवर्स। अब इनवर्स देखो क्या है। इनवर्स का मीनिंग है कि जो आप रिलेशन कह रहे हैं उसका उल्टा। सॉरी, देखो इसका मतलब यह है कि अगर एक रिलेशन R है और इसे हम ऐसे डिफाइन कर रहे हैं एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स बिलोंग टू ए, वाई बिलोंग टू बी, और एक्स आर वाई, ये रिलेशन मिल गया, यही हो ना। आर यहां पर मान लें इज अ फ्रेंड ऑफ, तो एक्स जो है वो आर के साथ रिलेटेड है और एक्स वाई एलिमेंट है और एक्स ए से वाई बी से। अब इसका इनवर्स क्या है? एक्स वाई कॉमा एक्स, वाई बिलोंग टू ए, एक्स बिलोंग टू बी,
और यहां पे क्या आएगा वाई ठीक है। चलो प्रैक्टिकली बताता हूं आपको, हम एक रिलेशन मान लेते हैं आर इज फादर ऑफ, इसका इनवर्स क्या होगा इज फादर ऑफ, एक रिलेशन है इसका उल्टा क्या रिलेशन बन सकता है यस इज सन ऑफ, देखो ना राम इज फादर ऑफ टोनी। सो सर अब इसे क्या मैसेज देता हूं, टोनी इज सन ऑफ राम, वो इनवर्स रिलेशन, ये रिलेशन क्या होगा इनवर्स हो गया, एलिमेंट आपके एक्सचेंज हो गए, उनकी प्लेसेस चेंज हो गई ठीक है। नेक्स्ट हमारा है क्लासिफिकेशन, अब इन रिलेशन को हमने क्लासिफाई करना है, तो हम इनको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो तीन तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं रिलेशन को। पहला बेटा रिफ्लेक्सिव, दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हम किसी भी रिलेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं थ्री पार्ट्स में, आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन मिलेगा ठीक है। कोई आपको रिलेशन होगा वो पूछेगा आपको क्या यह रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक है ट्रांजिटिव है ठीक है। अब रिफ्लेक्सिव है क्या, रिफ्लेक्सिव क्या है कि जब एलिमेंट जो है मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं, देखो मैं एक रिलेशन लिखता हूं बेटा आर इज लेस देन एंड इक्वल, क्या रिलेशन लिया, क्या रिलेशन लिया मैंने आर का रिलेशन है ना, तो रिलेशन क्या लिया मैंने इज लेस देन एंड इक्वल ठीक है। तो मैं सेट ले लेता हूं नेचुरल नंबर, सेट मुझे लेना पड़ेगा ना कोई, तो सेट मैं क्या लेता हूं एंड, सेट होता है एंड नेचुरल नंबर। अब इस पर रिफ्लेक्सिव क्या होगा, देखो टू कोमा लेस देन कोमा टू इज इट पॉसिबल, यस आर नो, यस। फाइव लेस देन इक्वल टू फाइव, एंड नहीं आना चाहिए आर लेस देन आर इक्वल टू या लेस या इक्वल ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू लेस देन इक्वल टू फाइव लेस देन इक्वल फाइव, क्या ये ट्रू है, ट्रू है इसका मतलब ये जो रिलेशन हुआ क्या हुआ, ये अपने ही एलिमेंट्स का, अपने एलिमेंट का ये अगर सेम एलिमेंट है तो ये ट्रू है, रिलेशन बन रहा है, अगर रिलेशन बन रहा है तो इस प्रकार के रिलेशन को हम क्या बोलते हैं रिफ्लेक्सिव, और इसे हम डिफाइन करेंगे ऐसे आर एक्स कोमा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए ओके, ये आ गया आपका रिफ्लेक्सिव ठीक है। यहाँ पे आप आर जो है वो भी डिफाइन कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं आप क्या है एक्स आर एक्स आर हमने क्या क्या इज लेस देन आर इक्वल लेस देन इक्वल, लेस देन या इक्वल टू कुछ भी हो, लेस देन तभी मान लेंगे हम, इक्वल तभी मान लेंगे, तो ये मेरे पास आ गया फार आर हम लिखा मैंने एक्स रोम टू एक्स कहाँ से आ रहे, जितने भी आप नेचुरल नंबर से वो सारे सेट आएंगे वो आपका ये बन गया ठीक है। अगर मैं रिलेशन बदल देता हूँ, रिलेशन चेंज कर देता हूँ, मैं रिलेशन मान लेता हूँ कि R इज लेस देन R इज इक्वल मैंने छोड़ दिया और सेट मैंने रहने दिया एन ही
अब बताओ ये हमारे पास जो यहाँ पे R है ये R रिफ्लेक्सिव होगा। देखो नंबर ले लो टू, टू लेसन टू, एट लेसन एट, क्या जो ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स है। तो अगर फॉल्स है तो ये रिलेशन नहीं बनेगा आपका, रिलेशन नहीं बनेगा। अगर ये नहीं बनेगा तो ये क्या होगा? नॉट, ये रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव और ये नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सेकंड सिमेट्री, चलो एक रिलेशन ले लेते हैं। क्या रिलेशन है ये देखो, ये एक लाइन है बेटा एल, दिस इज परपेंडिकुलर टू अनदर लाइन एम। तो हम रिलेशन क्या ले रहे हैं, आर क्या है, इज परपेंडिकुलर टू, क्या रिलेशन लिया, इज परपेंडिकुलर टू। देखो L एक लाइन है तो एक एलिमेंट आ गया L, तो L इज परपेंडिकुलर टू M, हमने ये लिखा। तो यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि दो लाइंस हैं, ठीक है। तो लेट L इज परपेंडिकुलर टू M, ये रिलेशन बन गया। ये तो ये आपका रिलेशन है और L और M क्या है, एलिमेंट है। तो L इज परपेंडिकुलर टू M आप लिख सकते हैं ऐसे, L इज परपेंडिकुलर टू M, L परपेंडिकुलर M, आल्सो M इज परपेंडिकुलर टू L, क्या ये ठीक है? देखो हमने कहा L परपेंडिकुलर M, क्या M L के परपेंडिकुलर है? तो क्या मैं लिख सकता हूँ M परपेंडिकुलर L? तो क्या हुआ, सिमेट्री हुआ। रिवर्स करने पर भी उसका जो रिलेशन है हमारा वो चेंज नहीं हो रहा है, तो हमारा चेंज नहीं हो रहा है। तो ये दोनों रिलेशन क्या बन गए, सिमेट्री, क्या बन गए, सिमेट्री। और इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, हम करेंगे कि A एंड B belong to R, मतलब एक रिलेशन को A belong to B कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि B कोमा A भी belong करेगा R। ये जो A है, A B है, अगर आपका सेट A है तो for R belong to capital set A, मतलब A और B इसी सेट पे होंगे। तो हमने सेट यहाँ पे A, अगर आपने नेचुरल नंबर मान लिया यहाँ पे N आ जाएगा, अगर ये नंबर यहाँ पे A आ जाएगा, तो इस प्रकार को जो कंडीशन उसे बनेंगे सिमेट्रिक, मतलब ये रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांजिटिव, कि कोई रिलेशन है तो उस रिलेशन में हमने ट्रांजिटिव प्रूव करना है। वो कैसे प्रूव करेंगे, एग्जांपल देखो, मैं एक रिलेशन ले लेता हूं, आर इज फैक्टर ऑफ, कौन सा रिलेशन लिया, इस आर, तो मतलब रिलेशन नाम आ गया उसका, तो क्या रिलेशन है, इज फैक्टर ऑफ। अब देखो टू इज फैक्टर ऑफ फोर, फोर इज फैक्टर ऑफ, ठीक है, दो ले लिए मैंने, पहला लिया कि टू इज फैक्टर ऑफ और दूसरा लिया फोर इज फैक्टर ऑफ, क्या ये रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है, ये गलत है, चेक करो, दो चार का फैक्टर है, चार आठ का फैक्टर है, ठीक है ना ये, अगर ठीक है तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि टू इज फैक्टर ऑफ एट, ऐसा लिख सकता हूँ, टू इज फैक्टर ऑफ फोर, करके देखो क्या टू फोर का फैक्टर है, फोर एट का फैक्टर है, क्या टू एट का फैक्टर है, तो इन दोनों से मैंने ये रिजल्ट निकाल लिया, समझ गया ना। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं,
अगर से मैं रिलेशन फॉर्म में लिखूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं 2,4 सच दैट, और ये जो सेट है सेट हम ले लेते हैं नेचुरल नंबर, सारे नेचुरल नंबर है ठीक है। तो आर 2,4 और क्या आ गया मेरा ये जो एलिमेंट है 2,4 बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को, yes, और यहाँ पे रिलेशन क्या है 2R4 यहाँ लिखो फिर 2 इज फैक्टर ऑफ 4 रिलेशन, मैंने 2R4 लिख दिया। नेक्स्ट इसे क्या लिख सकता हूँ 4,8 इसे, और ये आ गया 4R8। और मेरे पास इन दोनों से तीसरा रिजल्ट आया कि ये बन सकता है 2,8 सच दैट 2,8 बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल नंबर को, और यहाँ पर रिलेशन बन गया 2R8। तो दिस इज नोन एज ट्रांजिटिव। अगर ऐसा रिलेशन में मिलता है आपको तो हम उस रिलेशन क्या बोलेंगे ट्रांजिटिव रिलेशन है, वो क्या है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो जनरली अगर हम इसको लिखना चाहें तो हम कैसे लिखेंगे, एक सेट है ए ठीक है, सेट को ए ले लिया, तो मेरे पास है इफ ए कोमा बी बिलोंग टू रिलेशन, इसी रिलेशन का ये एलिमेंट है किस सेट पे ए पे, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू सेट ए। सिमिलरली बी कोमा सी बिलोंग टू आर, बी कोमा सी भी रिलेशन है और आपको यहाँ बी कोमा सी भी उस सेट पे मिलता है। आप यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि ए कोमा सी आल्सो बिलोंग टू आर, फॉर आल ए कोमा सी बिलोंग टू सेट ए, तो दिस इज नोन एज ट्रांजिटिव रिलेशन। नेक्स्ट हमारे पास एक है इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन कौन होता है कि जो रिलेशन ये तीनों क्लासिफिकेशन जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है, कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव भी है सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है तो उस रिलेशन को हम क्या बोलेंगे इक्विवेलेंस, ठीक है जी। तो चलो आज के लिए कल हम इस इसके ऊपर हम एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है।